base. And I was sprung out from the earth. We laid down face to face. Hello my lovely foodies, welcome back to my channel Cooking with Sheetu. So foodies, आज मैं आपके साथ कैडबरी की डेरी मिल्क चॉकलेट की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. सो गाइस, ये मेरे पास डेरी मिल्क की फ्रूट एंड नट की चॉकलेट है एंड इसकी पैकेजिंग आप देख रहे हैं कितनी अच्छी है. ये बहुत ही अच्छी चॉकलेट है और टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है. एंड जितनी भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो सब बैक साइड पर आप देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर इसके बैक साइड में इसकी पूरी डिटेल्स दी गई हैं. एंड गाइस, इसका प्राइस है 90 रुपीज़. एंड गाइस, ये आपको कोई भी सुपरमार्केट या फिर जनरल स्टोर में ईजिली मिल जाएगी. एंड इसके जितने भी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है वो ये देखिए यहाँ पर वो बैक साइड में लिखी हुई है. जैसे कि इसमें एनर्जी 521 किलो कैलोरी है एंड प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर है, फैट है, सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है एंड सोडियम है. ये सब आपको न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन इसके बैक साइड में मिल जाएगी. और ये देखिए इसकी फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट से कितनी अच्छी लग रही है. और इसमें गाइस बहुत सारे एलिमेंट्स एंड ड्राई फ्रूट्स एडेड हैं. ये देखिए ये एंड का सिंबल है और इसमें आपको एलिमेंट एंड पीनट वगैरह शो हो रहा है. एंड यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि इसमें 83 कैलोरी हैं पर 16 ग्राम ऑफ सेल. एंड इसकी रैपिंग भी बहुत ही अच्छी है. एंड गाइस, आप जो भी इसके डिटेल्स देखना चाहते हैं वो इसमें आपको बैक साइड में इजीली मिल जाएगी. इसमें पूरी इसकी इंफॉर्मेशन और डिटेल्स बैक साइड में अवेलेबल हैं. जैसे कि इसमें शुगर है, मिल्क सॉलिड्स हैं, कोको बटर रेजिन्स हैं, कोको सॉलिड्स हैं, आलमंड्स हैं, इमल्सीफायर्स हैं. तो ये सब आपको बैक साइड में मेंशन है. और चलिए अब इसे ओपन करते हैं. तो चलिए अब हम इसे अनरैपिंग करते हैं और देखते हैं हमारी चॉकलेट अंदर से कैसे दिखती है. एंड गाइस, मोस्टली लोगों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होती हैं एंड मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स पसंद हैं. सो गाइस, ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पैकिंग नहीं है, ये रैपर में ही है. वाओ, इट्स लुकिंग ऑसम. कितनी अच्छी लग रही है देखने में. इट्स डिलीशियस. मेरे मुँह में तो अभी से पानी आ रहा है. और मुझे बहुत चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है. सो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं. सो गाइस, मैंने इसे बाहर निकाल लिया और आप भी देखिए ये देखने में कितनी ज़्यादा डिलीशियस लग रही है. एंड ये छोटे छोटे पीसेस में आपको अवेलेबल है, दी गई है आपको छोटे छोटे पीसेस में दी गई है. और इसमें गाइस टोटल 21 पीसेस हैं. इसमें अच्छे अमाउंट में फ्रूट्स एंड नट्स एडेड हैं. तो चलिए गाइस, मैं आपको इसे ब्रेक करके दिखा दे रही हूँ. ये देखिए इसे मैंने ब्रेक कर लिया है और ये देखिए इसमें ये यहाँ पर एलिमेंट्स वगैरह और ड्राई फ्रूट्स जो भी हैं वो सब आपको शो हो रहे हैं. इसलिए ये देखिए keep it softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look. So guys, इसमें बहुत सारे fruits and nuts added हैं और ये अच्छे amount में mixed किए गए हैं. और ये देखिए मैंने यहाँ पे element निकाला हुआ है इसी से और ये मैंने small small pieces में से break कर लिया है chocolate को. तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये एलिमेंट मुझे दिखाया है इसमें. और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स मिक्स्ड हैं. तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इसमें शो हो रहे हैं इसलिए. एंड गाइस, आपको इसका बिग वर्जन भी मिल जाएगा. अगर आप इससे भी बड़ी चॉकलेट चाहते हैं तो वो भी आपको ईजली शॉप्स में अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं. सो अगर आप किसी और चीज़ का रिव्यू या कोई और चॉकलेट का रिव्यू अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा. और अगर आपने ये चॉकलेट भी ट्राई की है तो आप इसके भी अपने रिव्यूज़ दीजिए और मेरे साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. सो ये देखिएगा, इसमें आपको दिखा रही हूँ इसमें कितने सारे नट्स दिख रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स दिख रहे हैं.
जो कि खाने में जब मुंह में जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। सो ये देखिए, इसके पीसेस जो हैं वो बिल्कुल इवनली साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चलिए गाइस, मैं आपको एक टेस्ट करके एक बाइट टेस्ट करके बता देती हूँ कैसी है ये। इट्स वेरी वेरी डिलीशियस। और ये अंदर से बहुत ही क्रीमी है और जो इसमें ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स बीच में आते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गाइस। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, इट्स अमेजिंग। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा गाइस बेस्ट है। एंड गाइस, ये चॉकलेट बिल्कुल मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाती है और ये बहुत ही क्रीमी है और इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आपको जो भी अच्छा लगा हो इसमें आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।